चुनावी सभा चलत है और आज के सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश की मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी मंच उपस्थित हमार 2023 के हमार खुच्ची विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय भोला राम साहू जी एवं मंच में उपस्थित जम्मो मन यहाँ उपस्थित कांग्रेस के हमार जम्मो हमारे शबादपुर हमार सिपाही मन यहाँ उपस्थित मीडिया के साथी मन आज 2018 में आप सबके सहयोग पूरा कार्यकर्ता मन के मेहनत कार्यकर्ता मन के पूरा अच्छा जोश के साथ जो काम 2018 में करके आप मन फूल बहुमत के साथ हमारे कांग्रेस के सरकार आदरणीय भूपेश बघेल बना के एक इतिहास रच दी दो हजार अठारह में फूल बहुमत के सरकार देवर जो काम करे तो सबसे ज्यादा भूमिका जाते हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मन की भूमिका जाते अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मन प्रत्येक मतदाता के घर में नहीं जाती प्रत्येक घर नहीं बताती और किसान के हित में काम हमारे कांग्रेस के सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार नहीं करती तो मोला लगती कि संभव नहीं रीज के उस समय भी सरकार बन सकती लेकिन आज जो पांच साल में किसान मन के हित में काम करे हुआ साथी मन के हित में काम करे हम चाहे गोधन न्याय योजना के बात हो चाहे भूमिहीन कृषि के बात हो मतलब इतना सारा योजना बना के अंतिम छोर के व्यक्ति ला भी लाभ दिलाए के काम करे तो कांग्रेस के सरकार करे हाबे मैं आप मन यही बोलना चाहूँ एदारी प्रत्याशी आदरणीय भोलाराम साहू में भेजे है मैं निवेदन करना चाहूँ दो में आप मन साढ़े सत्ताईस हजार और के मोला भेजे रहो उसने प्रकार के आपमन चालीस से पचास हजार कांग्रेस के सरकार फिर बने फिर गरीब मजदूर के किसान हमार फिर से बने ये निवेदन पूरा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मल्ला मतदाता मल्ला करना चाहू पांच साल 2018 में मोला टिकट मिली भोलाराम साहू जी के टिकट कटे रही से इस बार मोर टिकट का साधारणी भोला भोलाराम साहू जी ला टिकट मिली साबे निश्चित रूप से मैं आपमन से 2018 से लेकर 2023 तक मोर कार्यकाल में मोर बोली में मोर मोर व्यवहार मा कोई ला पहुंची सोई तो दोनों हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता जे ऊर्जा के साथ पांच साल तक आप मन के लिए मतदाता के लिए कार्यकर्ता के लिए जो काम करे हूँ मैं आपमन आश्वासन दिलाना चाहतो पद मा रहो अगर मत रहो जे ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़े मतदाता के लिए लड़ाई लड़े हूं, वही लड़ाई पद न रहते हुए भी आप मन के साथ सुख में आप मन के साथ में रहूं मोर घर की अंगना के दुआरी में खुला 24 घंटा आप मन के लिए उपलब्ध रही बाकी रहे हमार काम बुता के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँ हमार गा टोला में वो समय भेंट मुलाकात में कुछ अपेक्षा यहाँ रखे रही से निवेदन है कि मंच के माध्यम से सरकार ही तो सबसे पहली जो हमारे कार्यकर्ता मन यहाँ के मतदाता मन जो अपेक्षा यहाँ के काम के लिए रखे रही से बात ला अपन बोल के जहू ए निवेदन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री से करना चाहूँ यहाँ हमारे कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हमारे भीखम देवांगन जी प्रकाश शर्मा जी हरदम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा ढंग से काम हमारा राजू राजपूत बहुत अच्छा ढंग से काम करते हो मन अपेक्षा रखे कि यहाँ कॉलेज खुल जाए कॉलेज अगर कॉलेज खुलना चाहिए कॉलेज नहीं हो पाते तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खुलना चाहिए और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे गरीब किसान के पढ़े पढ़े और वही पढ़े जे बाहर के व्यक्ति मन आके यूपी बिहार के, के व्यक्ति मन आके आईपीएस आईएएस अधिकारी बने और हमारे ऊपर डंडा चलाए के काम करे मुख्यमंत्री जी के सोच है कि हमारे गरीब किसान के लयका मन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े और वही किसान के आईपीएस आई पी आई एस अधिकारी, अधिकारी तो तकलीफ और किसान के दुख पीड़ला किसान के बेटा मन समझी तो अच्छा अच्छा योजना हमार जनता के लिए ला है मैं निवेदन करना चाहूँ आदरणी भोला राम साहू जिला हमारे बीच हम सबके बीच भेजे है आने वाले भी सात तारीख के तीसरा नंबर में चपक के लपंज छाप में फूल बहुमत के साथ फिर से सरकार बना के ए निवेदन में कार्यकर्ता मन से करते हुए ज्यादा कुछ नहीं बोलो आप सब प्रणाम करते हुए मैं पंडवानीला यही विराम कर हूं जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद